शुभ 24 न्यूज चैनल अब रफ्तार मीडिया पर राजस्थान का उभरता हुआ सैटेलाइट चैनल शुभ 24 न्यूज। राजस्थान की राजनीति और आम जनता से सीधा संवाद और सरोकार निभाता, आपकी आवाज को मुखरता से उठाता शुभ 24 न्यूज चैनल और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग दिखाने का सुनहरा अवसर। तो आइए हमसे जुड़े, आज ही मौका है अपनी बुलंद आवाज को स्क्रीन पर लाने का। तो देर किस बात की, अभी सेंड कीजिए अपना CV। गांव, ढाणी और शहर, जनता के मुद्दे, राजनीति, खेल जगत, क्राइम, चुनावी चौपाल आदि उठाएं जनता की आवाज। सभी नौजवानों से लेकर यूट्यूबर तक को सभी के लिए मौका है। आएं और हमारे साथ जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाएं अपनी रिपोर्टिंग का जलवा। शुभ 24 न्यूज चैनल राजस्थान पर। कॉन्टेक्ट नंबर 7877971692। जीमेल shubh24official@gmail.com। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 न्यूज चैनल जो अब रफ्तार टीवी पर है। आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम चंद्रा सिंघवी जी, जो राजस्थान के चाणक्य कहलाते हैं, और उनसे इस हफ्ते की घटनाक्रम के बारे में एक विवेचना करते हैं। पहला, पिछली बार जो हमारे एपिसोड था उसमें अलग अलग लोगों ने और बहुत बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर अपने अपने शब्दों को लिखा, अपनी बातों को लिखा, और साथ साथ में एक हमने छोटा सा सर्वे कंडक्ट किया जिसके रिजल्ट्स भी आए, और वो हम चंद्रा सर से अभी बात करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। पहला जो सवाल मैं लेना चाहूँगा वो कर्नाटक चुनाव से लेना चाहूँगा। कर्नाटक चुनाव में BJP की हार और कांग्रेस की विजय का सबसे क्या कारण रहा, वो चंद्रा सिंह जी से जानते हैं। सर, भाजपा का माइनस पॉइंट तो ये था कि वहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और इसका जबरदस्त प्रचार करने में कांग्रेस सफल रही। भाजपा की युवा बहुमत की सरकार पहले भी नहीं थी, बाद में जोर जोर से सरकार बनी, तो भाजपा को अपने सिद्धांतों से हटकर जो लोग नहीं मानते थे उनको साथ लेकर सरकार बनाना उनकी गलती थी। क्या होता विपक्ष से ही बैठे रहते तो आज ये दुर्गति नहीं होती, लेकिन अपनी सरकार बनाकर सत्ता का उपभोग कर ऐश्वर्य और आराम की जिंदगी जीने का जो लालच, वो भाजपा युवा में आ गया और वहां पर भाजपा ने उन लोगों को अपने साथ मिला लिया जो सिद्धांतिक रूप से भाजपा ही नहीं थे। लोगों ये बात पसंद नहीं आई, फिर भी सरकार बनाया, सरकार चली, सरकार इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में डूब गई कि 40% कमीशन के नाम से वो प्रचारित हो गई। इधर कांग्रेस ही मेहनत करता रहा। नीत शिव कुमार असाधारण धनी आदमी है, उन्होंने शानदार ऑफिस बनाया, हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया कांग्रेस कार्यालय कर्नाटक में बना, बहुत मेहनत की। यहाँ सचिन पायलट ने मेहनत की, वहाँ शिव कुमार ने मेहनत की, और मेहनत का फल ये हुआ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत सावधान हो गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, और जो स्थिति यहाँ पर सचिन पायलट की थी, क्योंकि वो भी वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, वो स्थिति उनकी वहाँ थी, सब मिला करके पूरा वातावरण कांग्रेस में हो गया। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो गई, उसका सीधा प्रभाव पड़ा। इधर राहुल गांधी पर जो केस हुआ, जो गिरफ्तारी वारंट के आदेश निकलने की दौबत आ गई, उसका भी लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। मानहानी हो जाती है बोलने चालने में, पर एक न्यायालय ने उसकी जिस प्रकार से परिभाषा बदली और न्यायालय ने जो आदेश दिया, न्यायालय के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, हम कमेंट नहीं करना चाहते, पर आम जनता ने राहुल गांधी के प्रति जो भी फैसला हुआ उसे पसंद नहीं किया। ये कारण, फिर प्रियंका बड़ी आक्रामक रूप से प्रचार में लग गई। प्रियंका और राहुल गांधी का इतना बड़ा जबरदस्त आक्रामक प्रचार हुआ कि उसका जवाब देने के लिए कोई था नहीं। इधर भाजपा का एक ही नारा था कि मोदी के फेस पर लड़ेंगे। पहले हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने यह एक्सपेरिमेंट किया तो वह भारी, इस बार भी यह एक्सपेरिमेंट किया, ये ठीक है। मोदी का फेस भी थपथपाने के लिए बहुत बड़ा है, मोदी का फेस लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा है, मोदी का फेस राष्ट्रवाद की परिभाषा के लिए बहुत बड़ा है, मोदी का फेस सनातन हिंदुत्व की रक्षा बहुत बड़ा है। मोदी का फेस तो एक शानदार फेस है, पर वो इतना बड़ा फेस है कि उसे संकुचित और छोटा करके केवल कर्नाटक की परिभाषा में लिप्त नहीं किया जा सकता। ये सारे कारण मिल गए और कांग्रेस के पॉजिटिव कारण हो गए,
इसलिए हार हो गई। और हार होना मैं समझता हूँ कोई जायज था, जनता का फैसला तो सर्वोत्तम फैसला है, जनता के फैसले को बदला नहीं जा सकता, जनता सोच कर फैसला करती है। ये सारी बातें हो गई। इधर शिव कुमार और सिद्धार्थ भैया दोनों एक हो गए, जो आपस में एक दूसरे ये घोर विरोधी हुआ करते थे। सिद्धार्थ भैया का अनुभव और शिव कुमार का परिश्रम, मैनर, साधन, प्रचार, इन सब ने मिलकर के कांग्रेस को विजय से दिलवा दी। कांग्रेस के जीतने से राजस्थान में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसा कहा कि सिद्धारमन और उनका दोनों का जो है गठबंधन विजय का एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्या सचिन पायलट और गहलोत कभी एक हो पाएंगे? वो भी एक नहीं हुए, चुनावी दृष्टिकोण से एक हुए। आज भी शिव कुमार चाहता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसने नहीं चला करके साथ मैं कैंडिडेट नहीं हूं, पूरी ताकत लगा रहा है। यहाँ की बात अलग है, आप वहां को यहां से तुलना मत करो। राजस्थान सिद्धार्थ भैया भी इतना ताकतवर आदमी था जितने शिव कुमार थे, या तो एक बार तो ताकतवर आदमी सचिन पायलट है। और सचिन पायलट जबरदस्त मेहनत की, जाति समीकरण जोड़ दिए, किसानों का नेता हो गया, युवकों का नेता हो गया, युवकों का हृदय सम्राट हो गया। इसलिए यहाँ की स्थिति और वहां की स्थिति में फर्क है। दूसरी ओर सिद्धार्थ भैया वहां भी सक्रिय रहे, गहलोत तो 5 साल सक्रिय रहे नहीं, अब उनको राज मिल गया तो सक्रिय होने की बात कर रहे हैं। आप खुद बताइए मुझे कि राजस्थान के अंदर, जैसा मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूँ, राजस्थान में एक भी जन समूह का बड़ा हिस्सा आज गहलोत जी के साथ नहीं है। अब गहलोत चूंकि ये आलाकमान के लाडले हैं इसलिए मुख्यमंत्री है, अगर सिद्धार्थ भैया मुख्यमंत्री बनता है तो इसलिए नहीं बनता है कि वो आलाकमान का लाडला है, वो इसलिए बनता है खुद सक्षम, परिश्रमी, मेहनत करने वाला और लोकप्रिय व्यक्ति है। यह लोकप्रियता तो केवल और केवल सचिन पायलट के साथ है, इसलिए या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा इसको मैं नहीं मानता। पिछले आपके इंटरव्यू में हमने एक सर्वे भी कराया और सर्वे में 3 क्वेश्चन हमने रखे। पहला क्वेश्चन ये था कि हु इज द नेक्स्ट सीएम ऑफ राजस्थान। इसमें 4 ऑप्शन दिए, सचिन पायलट, गहलोत, वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल। तो आपके सर मैं इसमें आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल को 4% वोट मिले, वसुंधरा राजे को 4% वोट मिले और गहलोत को 9% मिले और 82% सचिन पायलट को मिले। बहुत अच्छा सर्वे का रिजल्ट आया आपका, मतलब मैं जानता था ऐसा हुआ जी, मैंने कह ही दिया था आपको, अभी भी मैंने यही कहा है। मेरे कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है, मेरे प्रतिज्ञा की बोलो वही जो सच हो, अपने को सूट करे नहीं करे जरूरी नहीं है, अपना लाभ हो या नहीं जरूरी नहीं है। पर जहां जनता की बात आज भी यही है, आज इससे ज्यादा खराब स्थिति है। वसुंधरा को 4% वोट मिल गए, बड़ी खुशी की बात है, उनका पुराना कर्म अच्छा था, कुछ बातें थी कुछ लोकप्रिय थी, 10 साल वो भी सीएम रही और 10 साल गहलोत जी रहे थे, गहलोत जी को 9% वोट मिल गए। मिल सकते हैं कुछ जाति समीकरण के कारण मिल सकते हैं, 5-7% बाली भी हैं, उन्होंने भी दिए होंगे वोट। और दूसरा अशोक गहलोत में एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, भाग्यवान है, तो 9 में से 7% तो भाग्य के वोट हैं, उनकी अपने तो 2% से ज्यादा वोट नहीं हुई। वसुंधरा से ज्यादा वोट होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, नजदीक भी नहीं आ सकते वो। वसुंधरा के 4% कम बता रहे हो आप, ये कम से कम 8-9% होने चाहिए, उल्टा हो गया है मामला। जो 4% है वो 9 होने चाहिए, जो 9% है वो 4 होने चाहिए और जो 82% है वो तो 90 होने चाहिए। आप बताइए क्या कारण से सचिन पायलट को वोट नहीं देंगे? एक भी आरोप नहीं, पैसा खाने का आरोप नहीं, पक्षपात करने का आरोप नहीं, जातिवाद बढ़ाने का आरोप नहीं। सर्व जाति प्रेमी है, सर्व जाति पसंद है, इसलिए उनके वोट बढ़े हैं। फिर क्या युवा पीढ़ी तो 100% उनके साथ है, ये आपने सब जातियों का सम्मेलन का सर्वे करवाया है। पर एक बात बताओ, अगर खाली युवकों का सर्वे करवाया जाए तो मेरे ख्याल 100% वोट ही सचिन पायलट। सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि क्या युवा वर्ग सचिन पायलट के साथ है या किसी और के साथ, तो आज का जो साथ में हमारा जो कल का प्रोग्राम होगा इसके साथ हम इस क्वेश्चन को जोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस क्वेश्चन का जवाब दें। एक सर्वे और हुआ सर कि मीणा समाज किस पार्टी को वोट ज्यादा देगा,
तो इसका सर्वे ये आया कि अन्य के साथ 10%, आरएलपी के साथ 0%, बीजेपी के साथ 24% और कांग्रेस के साथ 66%। मीना समाज सवाल ही पैदा नहीं होता है, रॉन्ग सर्वे, आप भूल गए। अब किरण लाल जी मीना के साथ कितने परसेंट, मीना क्यों नहीं पूछा? कहा मीना समाज 50% तो अकेला खिरोड़ी के साथ जाएगा और 25-30% जाएगा भाजपा के पास और 10 जाएगा इंडिपेंडेंट मीना उनके पास। कांग्रेस के पास 10% वोट भी नहीं आएंगे मीनों के। ये सर्वे आपका गलत। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये जो है सिर्फ सामाजिक रूप से हमने लिया है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। नहीं, राजनीतिक रूप से लीजिए। हाँ, आप जी एक और सर्वे रहा कि जाट किसका साथ देंगे। जाट किसी भी हालत में किसी का भी साथ देंगे, अशोक गहलोत का नहीं देंगे। बीजेपी 23%, कांग्रेस 47%, आरएलपी 23% और अन्य 7%। बिल्कुल, ये क्या बोले आप, वापस बोलना क्या परसेंटेज बताइए। बीजेपी जो है 23%, कांग्रेस 47% जब आरएलपी 23% और अन्य 7%। 47% जब सचिन साथ हो तब, और सचिन साथ नहीं होगा तो 2%। यही क्वेश्चन मैं आपसे सबसे पूछ रहा था कि ये सर्वे क्या सचिन पायलट की प्रसिद्धि के साथ साथ आ रहा है? सचिन पायलट को आपने कांग्रेस माना ही कहा है। सचिन और गहलोत मिलकर के लड़ेंगे तो भी किसी भी हालत में अशोक सचिन पायलट के पक्ष में अगर 40 आएंगे तो वो वापस अशोक गहलोत जी अगर -30 हो जाएंगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब कोशिश कर रहे हैं अशोक, इस बार की है उन्होंने, डोटासा को प्रेसिडेंट बनाया है। बीकानेर अभी मैं कल बीकानेर के एक बहुत बड़े नेता किसी विष्णु आए जो राज्य मंत्री हैं अभी, मैंने उनसे पूछा बीकानेर संभाग जो जाटों का मेन, बीकानेर जोधपुर दो ही संभागों में जाट है, मैंने पूछा कितने परसेंट कितने विधायक जीत जाएंगे, तो मैं तो और वोट सच बोलता हूँ तक एक भी विधायक नहीं जीतेगा, तो 47% कहाँ चले जाएंगे, आएंगे ही नहीं। चूरू का जाट नहीं देगा, सुजानगढ़ का जाट नहीं देगा, देंगे ही नहीं, नाम ही नहीं है कहीं, क्योंकि गहलोत का जाट विरोध आज का नहीं 40 साल पुख्ता है। उस जाट विरोध की जड़ों में इतना ज्यादा मट्ठा इतना ज्यादा खाद डाली हुई है, वो मजबूत वृक्ष की जगह बन गया है। हाँ, कोशिश में कोई प्रयास नहीं, पहले जाट आए साहब 3, इनके साथ में आया था आई थी वो दिव्या मदेना आजकल का है साथ, इनके साथ में आया था हरीश चौधरी आजकल का है, वो सब वापस छोड़ के चले गए। उन्हें मालूम पड़ गया कि इनका साथ देंगे तो जाट बनता था हमारा साथ नहीं देगा, और जहां तक आपने बोला है हनुमान बेनीवाल का यश, इसके साथ कम से कम 30% जाट 35% अकेले के पास है और जाट है भाजपा के साथ। जाटों का होने का मतलब क्या है, ये तो 2003 में वसुंधरा का एक नारा था कि मैं जाट की पत्नी हूँ, गुजर की बहू हूँ और राजपूत की बेटी हूँ, इस नारे के तहत। और फिर हमने इनके हमारी कारीगरी थी, पर मोस्टली मेरा मुख्य योगदान था कि हम नागौर में 10 पैसे 9 सीट भाजपा लेकर के आई, जब भैरू सिंह जी अपने जीवन में 1 सीट भी नहीं ला पाए थे। ये सब चलता है, पर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के कारण जो भाजपा का वोट बैंक बढ़ा है उसको आप क्रिएट नापना भूल गए, उसको आप कैलकुलेट करना भूल गए। अब आप सर्वे ये करिए, जो सर्वे मैं कहता हूँ वो करिए कि अगर अकेले अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी तो जाट कितने परसेंट कांग्रेस में जाएगा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर लड़ेंगे तो कितने परसेंट जाट जाएगा, या आप ये करिए अकेले सचिन पायलट के और हनुमान बेनीवाल के कॉम्बिनेशन में अगर लड़ोगे तो जाट कितने, ये 3 अलग अलग सर्वे करिए, फिर आप मुझे रिपोर्ट बताइए। जैसा कि पिछली बार सर्वे रहा हमारे अलग अलग क्वेश्चन का, इस बार भी हमारे जो है अलग अलग तरह के प्रश्न होंगे और आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपके जवाब बहुत ही कीमती होंगे, इससे हमें और हिम्मत मिलती है और एनालाइज करने का सही मौका मिलता है। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा, 15 तारीख कि सचिन पायलट ने अपनी एक पद यात्रा का समापन किया और यहाँ पर उनके साथ करीबन 20 से 25 लोग 25 जो कांग्रेस के मंत्री या विधायक साथ में रहे और खुल्लम खुल्ला चुनौती थी कि या तो मेरी बात मान जाइए नहीं तो मैं कोई ना कोई स्टेप उठाऊंगा। सर वो क्या होगा स्टेप आगे? ये तो बहुत लेट है, ये तो बहुत लेट कर रहा है, ये तो सचिन पायलट को 3 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। जब सचिन पायलट के प्रति निकारा और नकम्मा और जाहिल आदमी की तरह के आरोप लगे, जो सचिन ने 5 साल मेहनत करके
कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। इन्हें तभी यह बात कर देनी चाहिए थी, तभी उन्हें कहना चाहिए था आलाकमान को, या तो जन भावना का आप सर्वे करवा लो, आम जनता पे वोटिंग, खाली एमएलए की वोटिंग काउंट करते हो आप, एमएलए तो सत्ता के साथ रहते हैं, आप एक काम करो, या ये बोलते कि चलो जी का भी इस्तीफा करवा लो, मैं भी मुख्यमंत्री नहीं रहूं, अशोक जी भी नहीं रहे, न ये कहो कि बाद में कौन बनेगा, आलाकमान अपनी इच्छा न थोपे, उसके बाद सर्वे कराओ, आज भी करवा लो, तो यही परसेंट आएगी जो आपने कही। सर आने वाली क्या संभावनाएं रहेंगी? मैं बार बार एक ही चीज पूछ रहा हूं कि राजस्थान में अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। देखिए राजस्थान में एनडीए चुनाव लड़ेगा इस बार, मैं आपको बता रहा हूं, इस बार बीजेपी अकेली नहीं है, एनडीए लड़ेगा, तो उसके साथ में दुष्यंत चौटाला और बाकी जाट लोग भी, कई जाटों के टिकट पर वोट लेंगे, वो चीज बीजेपी के पक्ष में जाएगी। कुछ कट्टरवादी हिंदुओं को राजी करने के लिए शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वही भाजपा के पक्ष में जाएगी, तो कांग्रेस के पक्ष में कौन है? मुझे आप दो जाति बता दो जो कांग्रेस को लाइक करती है, विद अशोक गहलोत, नॉट विद सचिन। सचिन आएगा तो 100% गुजर जाएंगे ना, अशोक जी के राज में तो जाएंगे नहीं। मैं तो आज भी कहता हूँ कांग्रेस का हितैषी हूँ, 25 साल कांग्रेस में रहा हूँ, बड़े से बड़े पदों पर रहा हूँ, मेरे लिए चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का पद बड़ा था जो इंडिया में कहीं नहीं था, मैं कांग्रेस का कैबिनेट मंत्री इस तरह हरदेव जी के साथ चेयरमैन था, मैं कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, तो मेरी हार्दिक भावना है कि कांग्रेस मरे नहीं, कांग्रेस बचे। पर इसका एक ही तरीका है कि त्याग, गहलोत जी को सत्ता का त्याग करना पड़ेगा, ममता सत्ता के प्रति ममता को छोड़ना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा, या एक काम करे काला हाईकमान कि 10-20-50 हजार आम जनता को इकट्ठा करके वोट करवा ले। जनता की चॉइस तो सचिन पायलट है और सत्ता लोलू विधायकों की चॉइस सत्ता है, ये सत्ता के साथ नहीं है, ये लोग जो गहलोत जी के साथ है सत्ता के साथ है, ये सत्ता से अलग हो ही नहीं सकते, सत्ता से हटाओ फिर इनकी हालत देखो, तब आपको मालूम पड़ेगा। सत्ता बनाने में तो कईयों का योगदान था, उसमें एक फैक्टर वह भी था, अब अहमद पटेल ने यह सत्ता बनाई, गहलोत जी की जीत नहीं अहमद पटेल की जीत है, अहमद पटेल ने अपने बुद्धिमानी से, दिमाग से, चालाकी से, होशियारी से, संबंधों से और सोनिया गांधी के 35-40 साल की वफा और निष्ठा के कारण ये फैसला करवा दिया, इसलिए सत्ता बन गया। अब ये नहीं है, अभी स्थिति नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि सत्ता का खेल 2-3 महीने का और है, नई नई केस कितना कि हजूर अजामत कर रहा हूँ, सामने आए जब देख लेना, वो स्थिति है, और उस स्थिति के अंदर अब सितंबर में 3-4 महीने कटे हैं, उसके बाद में वो लग जाएगी आचार संहिता, आचार संहिता लगेगी तो सरकारी अफसर भी गलत आदेश मानना बंद कर देंगे, अभी अभी एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भ्रष्टाचार में पकड़े गए जिनके खिलाफ में केस रजिस्टर हुआ है, हिसाब से तो उसको उसी ने एपीओ करना था, मगर अपने चेहतों को बचाना अशोक गहलोत का एक गुण है, इसलिए उनको एपीओ न करके ट्रांसफर कर दिया गया। अब 50-50 आईएएस की ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफरों के जो मजे लेने अब ले लो, 2 महीने बाद क्योंकि ट्रांसफर करोगे, या चार संहिता लग जाएगी ट्रांसफर कर ही नहीं पाओगे, तो आप तो अफसरों की ट्रांसफर नहीं करोगे, जनता आपकी ट्रांसफर कर देगी। सर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? जो मौन होगा वो होगा। कौन मौन होगा? कोई बोलता ही नहीं, अब तो प्रचार करने वाले कुछ धीमे पड़ गए, पहले सबसे ज्यादा ओम बिरला जी ने प्रचार किया, फिर ओम माथुर जी ने उसके पहले ही प्रचार कर दिया था, उसके बाद नंदी वैष्णव जी ने प्रचार किया, वसुंधरा जी प्रचार, वसुंधरा जी तो अलग तेवर की स्त्री है, वो भयभीत नहीं होती है, वो सास की प्रतिमूर्ति है, मैं उनको ज़्यादा जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई आदमी वसुंधरा के नज़दीक राजस्थान में नहीं रहा है। मैं आपको एक बात जानता हूँ, अगर मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव हुआ तो मैं नहीं कह सकता। दिया कुमारी का नाम मैंने उठाया, मैंने कहा रानी के बदले रानी ठीक है, अब ये तो उनकी अपनी इच्छा होनी चाहिए, जो उत्कट और प्रबल इच्छा के साथ पार्टी का काम करेगा, पार्टी के लिए जान फूंक देगा, शायद वो बन जाए, नहीं तो आरएसएस, आरएसएस तय करेगी, आरएसएस और मोदी जी मिलकर तय करेंगे। आरएसएस की बात का मतलब चंद्रशेखर नहीं है, तो जाने वाले हैं बहुत दिनों में, इनकी छुट्टी होने वाली है, यहाँ का प्रभारी भी फेल हो चुका है, उनका भी परिवर्तन होगा, तो फिर नया परिवर्तन, नया प्रभारी आएगा, नया परिवर्तन होगा, नया संगठन सचिव आएगा, लेकिन किसी भी हालत में आरएसएस के जो मुखिया है निम्बाराम, उनकी बात को भी महत्व मिलेगा, क्योंकि वो ईमानदार और चित्रवान आदमी है, इन सबको देख करके आज ये प्रश्न का जवाब देने में मैं अक्षम हूँ।
मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ जुलाई एंड होते होते मैं आपको इसका जवाब दूंगा। सर एक सवाल और बिल्कुल इसका स्पष्ट जवाब लेना चाहूंगा कि क्या गहलोत कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस से बाहर कुछ पार्टी अपनी बनाएंगे? सचिन पायलट क्यों बनाएगा, क्या बनाएगा, अपना खून पसीना सींच कर उसने इस पार्टी को इस स्तर पे पहुंचा है, वो तो पार्टी छोड़ेगा नहीं, पार्टी उसको छोड़ देगी तो वो मुकरेगा भी नहीं। मैं नहीं कह सकता, मेरे हिसाब से तो सचिन पायलट किसी कीमत पर कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, और ये भी मैं कहता हूं किसी कीमत पर कांग्रेस सचिन को नहीं छोड़ेगी। तो बंटवारा होगा, अब बंटवारे में देखते हैं कि रेगिस्तान किसके हिस्से में आता है, उत्तर प्रदेश किसके हिस्से में आता है, मैं आज इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आपके जो कहे अनुसार तो ऐसा महसूस होता है कि अगला जो चुनाव है वो गहलोत और पायलट के साझा तौर पर लड़ा जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तो अगर गहलोत अगर पायलट नहीं जा रहे हैं तो फिर क्या ऑप्शन बनता? पायलट अपने समर्थकों के लिए मांगे 50 सीट दो, 60 सीट दो, 70 सीट दो, उन पर काम कर लेगा और बाकी 150 सीट या 70-80 सीट होगी वो कांग्रेस साथ कर लेगी, कुछ सीटें जो है दोनों की कॉमन है वो आ जाएगी, सीटों का बंटवारा होगा। तो कांग्रेस में जो सचिन के साथ वाले हैं वो तो शायद जीत भी जाएंगे, दूसरे वाले के जितने विधायक हैं उनका बंटा डार हो जाएगा। क्या ये बंटवारा इतना आसान होगा सर? हाँ पॉसिबल है, झगड़ा होगा 10-20 सीट का ऊपर नीचे तो करेंगे, है क्या नाम है उनका मैं भूल जाता हूँ, नए अध्यक्ष का इतना लोकप्रिय नाम नहीं है, मुंह पर आता नहीं है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, हनुमान बेनीवाल आम आदमी पार्टी या हरियाणा की पार्टी या शिवसेना, इनका रोल कितना अहम रहेगा? अपना अपना रोल सबका ही रहेगा, एनडीए के तीन दो तो एनडीए का पार्टी है, उनको तो भाजपा से ज्यादा विरोध होगा ही नहीं, समझे आप, वो जो चौटाला जी की पार्टी है सॉरी उनकी दुष्यंत जी की पार्टी है वो तो पार्ट ऑफ दी एनडीए अभी भी है, पार्टनर है हरियाणा में, और शिवसेना आदि महाराष्ट्र में पार्टनर है, इनका तो कुछ तीनों एक ही मानो ना, क्यों मानते हो आप? और जहां तक हनुमान का सवाल है वो तो व्यक्ति विशेष है, किरोड़ भी व्यक्ति विशेष हो सकता है मगर होता नहीं है, किरोड़ी के दिल में भी आरएसएस का जो प्रेम है वो घटता नहीं है, टूटता नहीं है। तो ये करेंगे अपना अपना सब, आप पार्टी को कुछ नहीं मानता राजस्थान के अंदर, आप पार्टी का मतलब ही नहीं है, वो तो बिजली और पानी की और ये फ्री बांटने की आदत है, वो गुजरात में किया था एक्सपेरिमेंट, मैंने चुनाव के 20 दिन पहले घोषणा की थी कि ये चाहे मुफ्त बिजली दे दे या पानी दे दे, सीटें इनकी 5 ही आई और 5 ही आई। ये था हमारा जो इंटरव्यू चंद्रा सिंघवी जी से, और बहुत ही स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया कि सचिन का आने वाले समय में क्या अहम रोल रहेगा, कांग्रेस का आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी, बीजेपी की अलग अलग योगदानों में अलग अलग कल्चर में अलग अलग लोगों का किस तरह से योगदान रहेगा। हम आज भी कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं जो सिंघवी जी के पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन हमारे नहीं है, ये सिंघवी जी के पूछे हुए हैं, और इसका सही सही जवाब आप ज्यादा से ज्यादा लोग देने की कोशिश करें ताकि ये क्लियरिटी रहे कि क्या सचिन पायलट के साथ जनता है या अशोक गहलोत के साथ। धन्यवाद। शुभ 24 न्यूज चैनल अब रफ्तार मीडिया पर राजस्थान का उभरता हुआ सैटेलाइट चैनल शुभ 24 न्यूज। राजस्थान की राजनीति और आम जनता से सीधा संवाद और सरोकार निभाता, आपकी आवाज को मुखरता से उठाता शुभ 24 न्यूज चैनल और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग दिखाने का सुनहरा अवसर। तो आइए हमसे जुड़ें, आज ही मौका है अपनी बुलंद आवाज को स्क्रीन पर लाने का, तो देर किस बात की, अभी सेंड कीजिए अपना CV। गांव ढाणी और शहर, जनता के मुद्दे, राजनीति, खेल जगत, क्राइम, चुनावी चौपाल आदि उठाएं जनता की आवाज। सभी नौजवानों से लेकर यूट्यूबर तक को सभी के लिए मौका है, आएं और हमारे साथ जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाएं अपने रिपोर्टिंग का जलवा। शुभ 24 न्यूज चैनल राजस्थान पर। कॉन्टेक्ट नंबर 7877971692। जीमेल शुभ 24 official@gmail.com। धन्यवाद।